फ्यूल ईंधन के बारे में कुछ जान ले थोड़ा बहुत बात। तो पहले आते हैं, सबसे पहला इसमें है एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है प्रोपेन प्लस ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन, इन चीजों का मिक्सचर होता है। और इसमें ब्यूटेन का प्रतिशत सबसे अधिक, दी परसेंटेज ऑफ ब्यूटेन इज हाईएस्ट। ध्यान रखिएगा इतना बात कि प्रोपेन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का जो मिक्सचर होता है वो एलपीजी होता है, और ये इसमें ब्यूटेन का परसेंट अधिक होता है। अब बात आती है, देखिए ये जो एलपीजी होता है ये रंगहीन गंधहीन गैस होती है, यही हमारी रसोई गैस भी है। तो ये कलरलेस स्मेललेस होती है, और हम मैं कह रहा हूँ कि ये कुकिंग गैस भी हम लोग किचन में इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे किचन में गैस लीक करती है तो बहुत तेज बदबू करती है, तो इसमें स्मेल अलग से मिलाई जाती है, क्योंकि अगर स्मेल नहीं मिलाया जाएगी तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये इसमें कौन सा मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन क्या है? गंध हेतु स्मेल के लिए मिलाया जाता है, इथाइल मरकैप्टन गंध हेतु मिलाया जाता है। नहीं, और हमारी जो एलपीजी गैस है इसका जानते हो आपकी एक्सपायरी भी होता है। अगर एक्सपायरी पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए ये सिलेंडर है आपका, ठीक है, इस तरह से देखते हैं सिलेंडर पे तीन पट्टियां ऊपर लगी होती हैं, उसमें देखेंगे किसी में ए बी सी डी में से कोई डिजिट लिखा, इन तीनों में से किसी एक पे ए बी सी डी लिखा होगा। मान लीजिए उसके आगे कुछ और लिखा हो, जैसे 22 लिख दिया या 19 लिख दिया या 25 लिख दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ? ए बी सी डी मतलब होता कि वर्ष के 12 महीनों को। तो ए मतलब हो गया जैन फेब प्लस मार्च, तो A21 का मतलब हो गया कि मार्च 2021 में ये क्या हो गया? एक्सपायर हो गया। बी मतलब हो गया मार्च के आगे, अप्रैल मई जून, मीन्स अगर लिखा है B22 तो यानी जून 2022 में वो एक्सपायर होगा। जून के बाद फिर सितंबर, अक्टूबर, सॉरी जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी C19 लिखा है, इसका मतलब हुआ कि सितंबर 2019 में वो एक्सपायर हो चुका है। इसी तरह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी D25 लिखा है, इसका मतलब हो गया दिसंबर 2025 में वो क्या हो गया? एक्सपायर होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हो गया एलपीजी, यही हमारी घरेलू रसोई गैस भी है, उसका एक्सपायरी भी होता है। और घरेलू रसोई गैस में किसका परसेंटेज सबसे अधिक होता है? तो ब्यूटेन का परसेंटेज सबसे अधिक होता है। क्या क्या मिलाया जाता है? तो प्रोपेन ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन, और इथाइल मरकैप्टन जो होता है वो किसमें? स्मेल के लिए मिलाया जाता है।